आपको अगर कुछ चाहिए दो चीजें अपने पास संजोग कर रखो जिंदगी, एक रुकना दूसरा झुकना। कौन कौन सी चीजें जम के बोलो जरा जम के, एक रुकना और दूसरा अपने से कोई गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाओ जिंदगी आगे बढ़ जाए। लोग रुकने को तैयार नहीं है, जैसे गलत करना है हाँ करेंगे, हम तो ये कर देंगे, मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, मैं तेरा वैसा कर दूंगा। थोड़ा रुको। और जिंदगी का एक सबसे बड़ी प्रवक्ता है, जब हमसे गलती हो जाए, जब हम कहीं गलती कर बैठे तो थोड़ा झुको, प्रणाम कर लो, ऐ हो गई है मम्मी गलती हो गई, माँ गलती हो गई। अनसुईया जी मांगो तुम्हें कुछ चाहिए। अनसुईया जी ने कहा नहीं मैं मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ चाहिए कुछ तो मांग लो। पूरी सब जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पत्तियां नहीं है, फूल नहीं है, कुछ तो मांगो खाने को, अन्न नहीं है। अनसुईया देवता आए, अनसुईया जी ने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि अनसुईया जी ये चाहती थी कि मैं जिसकी पूजन कर रही हूँ, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा है, जिस महादेव का मैंने पार्थिव लिंग बनाया है, जिसको मैं पूजन कर रही हूँ, मानसिक पूजन कर रही हूँ, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, मैं दुनिया के आगे हाथ में। मैं दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, अगर देंगे तो मेरे महादेव देंगे, प्रदान करेंगे तो मेरे महादेव करेंगे, मैं किसी दूसरे के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं दूसरे से जाकर नहीं कहूंगी कि मुझे ये दीजिए, मुझे देना है और देगा तो मेरा महादेव। और शंभु शरणे जल चढ़ा रही हो शंकर भगवान पर, प्रणाम कर रही हो शंकर भगवान को, और किसी ने कह दिया वहां चल वहां पर ऐसा हो रहा है, चल मैं ऐसा करवा दूंगी, चल मैं वैसा करवा दूंगी, ना ना ना, देगा तो मेरा महादेव होगा। किसको भज रही हूं मैं? हरि विठल पांडु रंगा, मेरी मुख पर जरूर देगा ये निश्चित है, वो देगा मुझे। ऐसे भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना तो ये मेरी बहन है, बहन की नहीं है, बेटी में रख देती है, मेरी बेटी बड़ी होगी उसकी शादी होगी तो उसके दहेज में दे दूंगी। उठाकर पलंग पेटी में रख देती है, क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना मैं उसको दे दूंगी। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये जीजियां उठाकर संभाल के रख देती हैं, मेरी बहू आएगी ना उसको दे दूंगी। और क्या चाहिए तुमको? कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा ये सन्यासी बन गए, कोई ने कहा इन्होंने बहुत, स्त्री के आगे सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए, जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए। एक नारी तपस्वियों के तप से बड़ा उसका तप साधना उसकी बड़ी। अविरल भक्ति उसकी बड़ी और ऐसी साधना माता ने सूर्या की रही है।
अंतरिषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा। 54 वर्ष अकेली माता अनुसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना, कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो, तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। संघर्ष का समय माता अनुसुईया का चालू हो गया और माता अनुसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। तांत्री बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनुसुईया जी ने देखा कि बाबा तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, भगवान अंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं, और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनुसुईया जी बहुत तकलीफ। जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर जितने शिष्य थे। अब माता अनुसुईया ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ किया। मन से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को ये चीज चढ़ाना तो बहुत जरूरी है, कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को बेलपत्र बहुत जरूरी है चढ़ाना, कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को ये चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियां जितनी पंडाल में रहती हैं, पंडाल में बैठती हैं, पंडाल में बैठकर मेरे जीजा जीजियां जो कथा सुनते हैं वो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते, वो जल चढ़ाने के लिए भी कहीं जा नहीं पाते। क्या करते हैं, उनका नियम टूटता नहीं है, वो यहीं बैठे बैठे ये मन में विचार कर लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर को अभी गुलाल चढ़ा रही हूँ, मैं शंकर भगवान को चंदन लगा रही हूँ। इसको हमारी मानसिक पूजन कही, इसको हमारे यहाँ मानसिक पूजन मानसिक सेवा कही गई कि मन से करा। अनुसुईया जी ने मन से सेवा करना प्रारंभ करा। जल नहीं था चढ़ाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, पत्ती नहीं थी वृक्षों में क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि जल ही नहीं था, कहीं पुष्प नहीं थे। मानसिक पूजन माता अनुसुईया जी ने करना प्रारंभ करी। वो पूजन का फल ऐसा हुआ, समय निकला, 54 वर्ष की समाधि माता भगवान अंतरिषि कर रहे हैं और अनुसुईया जी पूजन में लीन है। पूजन का फल ऐसा मिला कि 33 कोटि देवता, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तालाब माता अनुसुईया जी का दर्शन करने के लिए कामत बन गए। महादेव नमन चरण, आप भी बोलिए महादेव नमन चरण।